नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल तपेस में। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ रिपेयर का नहीं बताऊंगा, यानी कि कुछ हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप थंबनेल में देख लिए हैं कि हम जो एलईडी टीवी होता है उसमें फुल एचडी और नॉन एचडी उसको कैसे पहचानेंगे मैं वो बता रहा हूँ। जैसे हमारा टीवी होता है एचडी रेडी होता है या एफएचडी होता है, यानी फुल एचडी। अभी तो 4K आ गया है, 4K का तो बात मैं अभी नहीं करूँगा। एचडी रेडी और फुल एचडी, यानी एचडी और एफएचडी, ठीक है। ये दोनों को कैसे पहचानते हैं मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। तो जिन भाई लोगों को पता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो जिनको नहीं पता है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो मैं अब बताता हूँ। तो आइए चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कोई भी टीवी हो उसका अगर आपको पहचानना है कि ये टीवी नॉन एचडी है या फुल एचडी है, उसका दो तीन रास्ता है, यानी दो रास्ता मैं ज़्यादा बेटर समझा दूँ आपको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहला हम क्या देखते हैं, पहला उसका एलवीडीएस केबल को देखते हैं, ठीक है। ये आपका एलवीडीएस केबल है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, जो हमारा पैनल बोर्ड से होते हुए पैनल में कनेक्ट है, ये एलवीडीएस। दूसरा हमारा इसमें जो डेटा शीट होता है, ये डेटा इसमें दिखाओ भैया पैनल में, ये आपको दिख रहा होगा, ये पैनल डेटा शीट है, ठीक है। किसी किसी टीवी में हमारा यहाँ पर दिए रहता है, यहाँ पर अब उससे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से पैनल डेटा शीट निकालने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ से कैसे पहचानेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ये नॉन एचडी पैनल है, अब कैसे नॉन एचडी मैं बताता हूँ। कोई सा भी अगर नॉन एचडी पैनल हुआ तो उसका जो पेयर होता है वो 5 पेयर का होता है। 5 पेयर यानी एचडी रेडी में बताया 5 पेयर, अब उसको गिनेंगे कैसे मैं बता देता हूँ। जो पेयर में रहेगा हम उसको काउंट करेंगे। जैसे इसमें दिखाओ भैया, दिखाओ, जैसे ये देख सकते हैं, जैसे मेरा ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, ये चौथा पेयर हो गया, ये पांचवा पेयर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको अब मान के चलो ये एलवीडीएस हमारा पत्ता वाला लगा हुआ, जैसे यानी फ्लैप वाला जो होता है ना हमारा फ्लैप वाला, उस टाइप से, जैसे ये वाला जैसे इस टाइप से केबल हमारा लगा हो, तो उस टाइम हम कैसे पहचानेंगे वो भी बता देता हूँ। जैसे ये वायर वाला लगा हो तो हमको आराम से पता चल जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको करना क्या है, जो कनेक्टर है एलवीडीएस कनेक्टर, ये आपको दिख रहा होगा एलवीडीएस, मैं अभी इसको निकाल देता हूँ एलवीडीएस को, और यहाँ पर इधर दिखाएंगे, हाँ यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा सिग्नल लाइन बना होता है, जैसे आप जूम करेंगे भैया तो यहाँ पर भी पेयर की संख्या आपको दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पेयर हो गया हमारा, उसके बाजू में 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर, ये 5 पेयर, उसके बाद कोई और पेयर दिख रहा है हम लोगों को, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये ज़्यादा अच्छा है इसमें फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों 5 से ज़्यादा हुआ, जैसे अभी तो ये 5 है, अगर 5 से ज़्यादा हुआ यानी 10 हुआ तो वो हमारा एफएचडी कहलाएगा, फुल एचडी, ठीक है। उठाओ, हाँ एफएचडी कहलाएगा फुल एचडी, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक एलवीडीएस रखा हुआ है, ये हमारा फुल एचडी एलवीडीएस है। जैसे मैं दिखाया, हमारे पास ये लगा हुआ था नॉन एचडी का, अब ये फुल एचडी का। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे काउंट करेंगे हम, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 10, यानी दोस्तों ये फुल एचडी। आप इसी प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं आपको दो तरीका बताया, एक तो आप पैनल डेटा शीट निकाल सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों कोई सा भी पैनल हो एलवीडीएस कनेक्टर के पास जो हमारा सिग्नल जा रहा होगा वो तो आपको आराम से दिखेगा 100%, कोई सा भी ले लो। जैसे मैं एक दूसरा टिकॉन स्केलर ले लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको, ठीक है, ये आपको एक सैमसंग का है मेरे पास 32 इंच का, इससे मैं इसको आप मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, ठीक है। यहाँ पर तो अब लिखा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी गया होगा, जो हमारा सिग्नल गया होगा वो सिग्नल से आपको पता करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से एलवीडीएस इन हुआ, यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ पेयर बने हुए हैं। अब कितने पेयर है मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, जैसे ये वाला एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर और ये 5 पेयर, उसके बाद और कोई पेयर दिख रहा है कि हमको। दोस्तों ये हो सकता है थोड़ा सा दूर में दिया हो, जैसे इसमें हम लोग बात किए ये पास में दिया है, थोड़ा सा दूर में दिया हो, लेकिन वो दिया जरूर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 पेयर का है दोस्तों, ये भी नॉन एचडी। और मैं बता दूं, जितने भी हमारा जो सिग्नल होते हैं, जो मैं पेयर बोल रहा हूँ एफएचडी नॉन एचडी, जितना भी सिग्नल अंदर आते हैं वो डायरेक्ट हमारे मेन आईसी को जाते हैं, ठीक है, मेन आईसी। अगर एलवीडीएस के पास नहीं दिया होगा तो आपका मेन आईसी के पास दिया होगा,
ठीक है, अगर दोस्तों अगर ये FHD होता तो यहाँ पर मेरा 10 पेयर होता, लेकिन यहाँ 5 पेयर है। ठीक है, ये 5 पेयर यानी कि ये 9 HD रेडी। एक और ले लेते हैं हम लोग। दोस्तों मेरे पास तो FHD वाला तो दिख नहीं रहा है, लेकिन non HD वाला दिख रहा है मेरे पास, HD रेडी वाला। जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक टिकॉन है, स्केलर भी बोल सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं गिन रहा हूँ, जैसे देखो LBDS के सामने ही दिया है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, अगर ये FHD होता तो ऐसे वाला कम से कम 10 पेयर होता, यहाँ तक दिए रहता। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका ये था। अगर इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डेटा शीट डाउनलोड करेंगे। इधर देखें, हर टीवी का यहाँ पर डेटा शीट दिए रहता है, तो आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। दोस्तों जो स्पेयर होता है, जो सिग्नल होता है, वो मैं आपको बता दूं, जो non HD होता है हमारा, उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो 1366 768 पिक्सल होता है, और जो FHD होता है यानी कि फुल HD, वो होता है 1920x1080। दोस्तों ये क्या होता है, ये एक रिजोल्यूशन होता है जो हमारा लेंथ, LED TV का लेंथ और ब्रेथ को हमारा मेंटेन करता है। दोस्तों इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो हमारा सिग्नल जो बताया, वो कौन कौन सा सिग्नल, उसका नाम क्या है, उसका टेस्टिंग क्या है, दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना बताया कि आप फुल HD और non HD को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा खास वीडियो नहीं था, रिपेयरिंग वाला तो नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, जो नए नए टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। रहता हूँ, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।